हाय हाय एंड वेलकम टू टीवी मसाला। थैंक यू। पूनम को सपोर्ट करने आए हैं आज ये लॉकअप की टीम, फिर से एक बार गेट टुगेदर, ये समझ लिए हम कैसा लग रहा है। हाँ, बनता है डेफिनेटली। एंड पूनम इज सो वंडरफुल एंड वी बीन इन टच विद ईच अदर जब से हम लॉकअप से भी आए हैं। एंड बनता था ना, एंड आई वॉज इन टाउन एंड आई वेरी मच वॉन्टेड टू बी हियर एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस लॉन्च। वेल, गाना देखा आपने, कैसा लगा? मैंने अभी तक नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट। ओके, केवी की अगर मैं बात करूँ या पूनम की बात करूँ तो लॉकअप की कौन सी यादें आप लोगों की, आपकी सारी झगड़े वाली यादें हैं। सबसे पहले तो जब केवी और मेरा टशन हो गया था वो, एंड नहीं बट बहुत सारी प्यारी यादें भी हैं, जैसे कि हलवा खाना, केवी का शक्कर चुराना और वो सारी चीज़ें, और मैं जो वहाँ पे जो पूनम मुझे प्रिंसिपल बुलाया करती थी, ऑल दोज थिंग्स। वाकई में मुझे ऐसा लगता है सच में मैं प्रिंसिपल लग रही थी वहाँ पर। बट बहुत सारी मिक्स्ड मेमोरीज हैं, बट यूजली जब इंसान पीछे देखता है तो अच्छी यादें ही आती हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। ओके, शिवम भी है गाने में, शिवम के बारे में क्या कहना चाहिए? शिवम के बारे में क्या बोलूँ, ही वॉज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट्स। हम दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत सपोर्ट करते थे इन लॉकअप एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल थ्री ऑफ देम टुनाइट। ओके, वैसे शिवम आज मिसिंग है। अच्छा अच्छा, नो वंडर कि उसने मुझे कॉल नहीं किया अबाउट दिस इवेंट। ओके, लॉकअप की अगर मैं बात करूँ तो अभी बिग बॉस चालू है, लॉकअप की ही तरह कितना फॉलो कर पा रही हैं बिग बॉस? मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट आई बिलीव दैट इट्स अ ग्रेट शो। ऑफ कोर्स हमें पता तो है ही, यू नो, बट मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिग बॉस। देखती होंगी उसमें से कोई आपका दोस्त जो घर के अंदर हो? मैंने इस बार ना बिल्कुल भी नहीं फॉलो अप किया। इनफैक्ट आई थिंक देयर इज अब्दू, राइट? एंड रिसेंटली मैंने उनको जब बिग बॉस के होर्डिंग्स में या यू नो कहीं ना कहीं आपको प्रोमोस दिख जाते हैं देखा था, उसके एक महीने पहले ही मुझे उनके बारे में पता चला था। एंड आई वेंट टू हिज प्रोफाइल ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड आई फाइंड हिम रियली क्यूट। एंड मम्मी बट मेरी देखती हैं तो चलते फिरते मेरे कानों पर पड़ ही जाता है। मम्मी तो आर्डेंट फॉलोअर है बहुत ही बिग बॉस की। लेकिन आपकी मम्मी का कोई फेवरेट कंटेस्टेंट जिसके बारे में बार बार बात करती होगी? अभी तो मम्मी और मुझे मौका नहीं मिल पाता है इतनी बात करने का अबाउट इट। और यूजुअली जब मम्मी कुछ बोलती है तो मैं कहती हूँ बस नॉट अबाउट दिस, कुछ और बात करते हैं। बट पूछूंगी मम्मी को। मैं बहुत खुश हूँ अपनी डिजिटल स्पेस में, कैंपेन्स में करती हूँ और अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत एक्टिव हुई हूँ। आई हैव स्टार्टेड माई ओन व्लॉग्स एंड यूजुअली यू नो एज एन एक्टर हमें एक फुल्ली प्रोड्यूस्ड यू नो प्रोजेक्ट की आदत होती है, वेदर इट्स शॉर्ट ब्रेक डाउन और अ प्रॉपर डायरेक्टर, कैमरा पर्सन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट स्पेस व्लॉगिंग बिकॉज यू हैव टू रियली बी योर सेल्फ एंड यू हैव टू होल्ड योर ओन कैमरा एंड यू नो जस्ट बी नेचुरल। बट आई एम एन्जॉइंग शोइंग पीपल दिस साइड ऑफ मी बिकॉज अभी तक लोगों ने मुझे सिर्फ एज एन एक्टर ही देखा है, सो पीपल आर ऑल्सो एन्जॉइंग, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लव, आई एम एन्जॉइंग दिस स्पेस। देखने की इच्छा सबकी बहुत ज़्यादा थी कि यू नो आप जाती, भले ही वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन के जाती, तो आपका इस बार में क्या था? तो सच तो ये है सरप्राइजिंगली कि इस बार मुझे बिग बॉस से इनविटेशन आया ही नहीं। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ अराउंड 4 times इंक्लूडिंग लॉकअप के जब पहले वाला बिग बॉस था तभी भी मुझे कॉल आया था, बट तभी मेरा जी वाला शो बहुत नया था तो यू नो इट वाज ओनली फेयर टू काइंड ऑफ स्टे बैक देयर। बट उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं किया एंड इस टाइम आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, ओके फॉर वंस आई एम गोना से यस, बट दिस टाइम दे डिडंट कॉल मी। वेल, होपफुली आपका ये सुनकर वाइल्ड कार्ड, अब वाइल्ड कार्ड की तरह तो नहीं जाऊंगी, जब जाऊंगी तो शुरू से जाऊंगी। है ना, बनता है ना? फैंस को कहना चाहूँगी कि कहाँ से लाते हो इतना सारा प्यार, यू नो व्हेन यू फील रियली लो एंड व्हेन यू रीड ऑल दीज लविंग मैसेजेस फ्रॉम द फैंस, इट ओनली गिव्स यू सो मच सपोर्ट एंड द ड्राइव टू काइंड ऑफ गो ऑन एंड ऑन। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड लॉट्स ऑफ लव, मे गॉड ब्लेस यू एंड मे यू गेट लॉट्स ऑफ लव इन योर लाइफ। थैंक यू।